मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा जोधपुर में है और आप मेरे पीछे मेहरानगढ़ किला देख रहे हैं। मैं आया हूं यहां पर लोगों से बात करने के लिए कि आखिर इस चुनाव में क्या मन है और इस बात को जानने के लिए कि आखिर इस बार किस बात को लेकर वोट करने मतदाता जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ की स्थानीय जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो हैं, यानी मेहरानगढ़ में यहाँ अलग अलग तरीके के जो काम होते हैं यहाँ के देख रेख और यहाँ के जो टूरिस्ट हैं उनके देख रेख के लिए ये लोग रहती हैं। मैं इन सब से बात करूँगा कि क्या ये लोग काम करते हैं और कैसे ये लोग अपना खर्च और इस बार चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं और किन योजनाओं का यहाँ पर इनको सरकार से लाभ मिला है। आप बताओ दादी, क्या नाम है आपका? अपना नाम शोभा है। क्या करती हैं आप यहाँ पर? सफाई का काम करती हूँ। उम्मीद किले में? अच्छा। किले मेहरानगढ़ फोर्ट में। कितने साल से कर रही हैं? मैं 10-15 साल से कर रही हूँ। 10-15 साल से। अच्छा, ये आपकी जो काम मिला है ये सरकार से मिला है या किसी कंपनी से मिला हुआ है? कंपनी से मिला हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे है हम। कॉन्ट्रैक्ट पे है? अच्छा, शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट में है? शुरू से कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ये बताइए जो कमाई यहाँ से होती है उसमें खर्च चल जाता है आपका? नहीं चलता है। हाँ, बिजली का बिल भरे, का पानी का बिल भरे, बच्चों को खिलाएं, हमारा कुछ करें, कपड़े करें, पढ़ाई पूरी, सामान ही नहीं आता घर में पूरा। हाँ, इस खर्च से। अच्छा, इससे नहीं चल, घर नहीं चल सकता इससे, इतनी तनख्वाह में से। और सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है, आश्वासन देती है ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, नौकरी देंगे, कुछ नहीं होता है। आश्वासन देने से पेट थोड़ी भरता है, पेट तो कमाने से भरेगा, नौकरी देने से भरेगा, उसका कुछ नहीं होता आश्वासन से। वोट लेने आते हैं तब कहते हैं हमको वोट दो, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करते कुछ है नहीं। 2012 से नौकरी रुकी पड़ी है। अशोक जी ने बोला था लेंगे लेंगे, कब लेओगे? जो जिनको ऑर्डर दिया उनको भी अब लिया है, आधे बेचारे केस लगा के बैठे। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों की क्या उम्मीद है, आप लोगों का क्या होगा? अब पता नहीं क्या होगा, जो होगा जो देखा जाएगा, अब हमको तो कमा के खाना है। उम्मीद। अच्छा, एक 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 चीज़ ये बताओ, आप सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है कि गैस सिलेंडर कम पैसे में, संजीवनी, इन सब का किसी का लाभ मिला है आपको? इन सब को तो कुछ नहीं मिला है। एक बार तो वो धान जरूर लेते हैं और पाउच दिया वो लेते हैं अशोक जी। अच्छा, पाउच जो मिलता है पाँच, हाँ वो जो, हाँ तेल मिलता है, तेल मिलता, और कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप क्या करती हैं यहाँ पर, आप क्या देखती हैं यहाँ? मैं हमार रिपेयरिंग का काम करती हूँ। अच्छा, अभी जो साफ सफाई कही थी? नहीं नहीं, साफ सफाई वाली नहीं काम करते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पत्थर का, पत्थर का काम करती हूँ। पत्थर का कब से कर रही हैं आप? 20 साल होगी, 20 साल ऊपर होगी। हाँ, 75 रुपये में लगी हूँ, अभी 400 रुपया देते हैं। अच्छा, 75 रुपये तब लगी थी आप? हाँ, 20 साल पहले, अब उसके बाद अब 400 रुपये हुआ। 400 रुपये इतने में हो जाता है आपका? नहीं नहीं नहीं, इतने में। अच्छा, ये किस हिसाब से मिलता है, जितने दिन काम करती हैं आप? हाँ, उतने दिन मिलता है? हाँ, या महीने में मिलता है? महीने में मिलता है, जितनी पेमेंट हाजिरी भरती हूँ उतना पैसे मिलता है। अच्छा, जितनी हाजिरी भरती हूँ। कोई और परमानेंट कुछ ऐसा नहीं कि नहीं एक इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक है, ठेकेदार देता है पैसा? नहीं, किले के तरफ आता है, किले की तरफ से मिलता है। इनको किले की तरफ से। तो 20 साल में आपको कभी ये नहीं हुआ कि आपको कुछ एक साथ नौकरी मिल जाए या परमानेंट वाली कोई बात नहीं? कोई बात नहीं हुई। आपके साथ के लोग कुछ लोग हैं परमानेंट? नहीं है, है नहीं, एक गार्ड लोग है। अच्छा, ये लोग परमानेंट हैं? परमानेंट है, रेस्ट रूम वाले परमानेंट है, मैं हमार मजदूर लोग को, मजदूर लोग और हम सफाई वाले परमानेंट है। अंदर किले थरू है जो? मैं किले थरू। अच्छा, कोई पैसे नहीं है मेरा। और ये जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं इनका लाभ मिलता है आपको? पाउच वगैरह मिलता है? ये पैकेट? हाँ, पाउच मिलता है। अच्छा, आपका कार्ड वगैरह बना है? हाँ, राशन है। अच्छा, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। अच्छा, और ये जो संजीवनी वाला कार्ड, 25 लाख का बीमा, ये वाला हुआ है आपको? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, ये हुआ नहीं। है तो क्या इसका कोई फायदा तो है नहीं? जाते हैं तो बोलते वो लेके आओ चिरंजीव कार्ड। हाँ, तो बताते आधार कार्ड, बताते जन आधार, बताते तो वो कुछ नहीं मिलता उसमें तो। हाँ, सरकार क्या योजना दे रही है? कोई इलाज नहीं, कोई कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपको ये बताओ, आप कितने साल से यहाँ हो, क्या काम करती हैं? 15 साल से। अच्छा, क्या काम करती हैं? हाउसकीपिंग, साफ सफाई का करती हूं। हाउसकीपिंग? हाँ। अच्छा, और जो ये मैं बदायसी स्थान पर रहने वाली हूँ, और रही बात ये जो नमक मिर्ची शक्कर है, तो वो आप बोल रहे हैं ना, तो अब घर में खाने वाले 10 आदमी रहे तो उससे क्या फ़ायदा? थोड़ा थोड़ा एक बात है, तो उससे कोई बात नहीं है। सरकार से कुछ लाभ नहीं मिला है। हाँ, गैस सिलेंडर तो मेरे को मिला है।
वो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो मिला है। और नौकरी सरकार की है, हम कम से कम 6 है, मेरे परिवार में 6 सदस्य है, तो वो भी एक अच्छा काम ही करते हैं, इसमें कोई लाभ नहीं है सरकार का, ठीक है ना। और करते हैं, छठी मजदूरी करता है, मेरा बच्चा है, मेरा बड़ा वाला बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, तो ये सब पे कई काम करते हैं, सब लोग मिलके, सब लोग मिलकर। तो मीणा है, आप मीणा है? और किराए का मकान है मेरा, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। और रही बात जो ये अदर कास्ट वाले हैं, तो उनको ये नौकरी दी मिली है तो अच्छा नहीं किया सरकार ने, ठीक है। ये नौकरी हमारी छीन के उनको दी तो ये हमको ही दे देते ना। किसको दे दी नौकरी? अदर कास्ट वाले को, जाट लोग है, राजपूत है, माली है, ब्राह्मण है, विष्णोई है, ये सब, तो मुंडन है, ये सब इनको मिल गई है नौकरी, तो इनको सब सफाई हाउसकीपिंग का काम मिल गया है। नगर निगम की नौकरी मिली है उनको, तो अशोक जी को हमको, हमारा तो यही कहना है कि हमारा हक हमको ही दो, किसी और को मत दो, हम कहाँ जाएंगे, हम साफ सफाई वाले हैं, हरिजन हैं, झाड़ू वाले हमें, हमारे पुश्तैनी काम है ये। चार नौकरी है उसको ही नौकरी, और जिसके 5 नौकरी है, 4 नौकरी है, तो उसको और से ऑल ऑलरेडी नौकरी मिल रही है। पर मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ, यही कहना चाहती हूँ, जिसके नौकरी नहीं है तो उसकी आप पूरी पता लगाइए कि किसके घर में नौकरी है। वैसे हमारे जैसे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट, वो तो चढ़े ही हैं वह कि किसके नौकरी नहीं है, किसके नौकरी है, तो उनको छंटिंग नहीं कर घर घर में एक नौकरी देने का कृपा करें, तो सब ठीक है। अच्छा, आप क्या करती हैं आप? हम भी सफाई करते हैं। आप भी सफाई करते हैं? कितने साल से? हो गया सर 15 साल। 15 साल हो गया आपका भी ऐसे ही, इन्हीं के जैसे? हाँ, मेरे भी बच्चे हैं, उनको भी नौकरी नहीं है, छुट्टी मजदूरी करे, और मैं भी यही काम करती हूँ। तो यहाँ पैसा समय से मिल जाता, टाइम से मिल जाता पैसा? हाँ, पेमेंट तो मिल जाता, हमें गुजारा नहीं चलते, बच्चा की पढ़ाई नहीं होती है, टाइम सर भी कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलते हैं, क्यों पेमेंट भी इतनी है, मुझसे क्या होता है, आओ तो हाजिरी बना के रख, बच्चा भी मैंने परेशान होते बेचारा, उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी भी पढ़ाई भी नहीं होती है, कमाई नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? ये मेरा अनगढ़ फोर्ट में मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, मेरे को 15 साल लगी, 15 साल में, 15 साल में हमको ये वर्दी देता है, वर्दी देता है, और कुछ नहीं है। निगम में 30 बार में फार्म भरिया, हमारे घर में नौकरी नहीं है, मैंने नौकरी नहीं दी। तो सरकार से कभी कोई किसी लोगों से किसी से बात हुई, कभी कोई ऐसा हुआ मौका आया जब नौकरी का लगा कि हाँ मिलेगी या नहीं मिली, ऐसा कुछ? माने तो जो वो इतो फर्ज जो फार्म भर दिया, उनके आ रहे हमारे घर में नौकरी नहीं, फार्म भर दिया, जिनके घर में नौकरियाँ चढ़ते रहे उनको नौकरी आती है, मेरे घर में जो वहाँ इतो फिर आ रहा, हमारे घर में एक ही नौकरी नहीं है। तो यहाँ, और ये ऊँट आपका है? ये ऊँट नहीं, ऊँट नहीं है, ये तो है राजपूत का है। तो आप कैसे चलाते हैं इसको? हा? आप इसका पैसा आपको ये भी नौकरी, इसके भी नौकरी कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो बाथरूम बाथरूम जाओ जाने चला है, ये तो बाथरूम बाथरूम करने जाते हैं तो ये पकड़ ले। अच्छा, नहीं तो वही चलाते हैं? हाँ, वही चलाता है। अच्छा, चला रहा उनका लड़का है वो। अच्छा, उनका लड़का है वो राजपूत का? अच्छा, आप बताओ आप यहाँ क्या करती हैं? सफाई का काम। आप लोग भी सफाई काम करते हैं? तो आप कितने साल से? मेरे का 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ये तो निगम में कच्चम करती काम। इंदिरा गांधी योजना में नाम आया था, 9 महीने तक नाम चला, फिर वापस खत्म हो गए। क्यों? 15-15 दिन में ना मेरे को पेमेंट मिलती थी 3-3 हज़ार, फिर नाम अब आगे से ही बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ। क्या पता चला आपको क्यों बंद हो गया? तो पहले मैसेज आता था हर 15-15 दिन से, फिर है ना बाद में फिर बंद हो गया था बीच में, अब वापस आ रहा है, मगर मैंने नगर निगम में बात भी की थी तो बोल रहे हैं कि ना पता नहीं, जयपुर जाके पता लगाओ। जयपुर जाके पता लगाओ? यहाँ ये लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा? क्या पता सर, जयपुर भी जाके आए? एक बार गई आप जयपुर? नहीं मैं तो नहीं गई थी। मैंने ये लोग, आप गई थी जयपुर? क्या हुआ जयपुर में? जयपुर में गया था फार्म, वहाँ भी जमा करके आए तो कह भूख तो कर देंगे, अब पता नहीं करिया नहीं करिया, हमने तो देखा हमारे तो आपके घर लेटर आ जाएगा। अच्छा, अभी तो नहीं आया, नहीं आया लेटर, नहीं आया। अच्छा एक चीज बताओ, अब आप भी आओ कि इस बार आप तो अब तक तो सरकारों से आप लगते रहे, लड़ते रहे, सब कुछ होता रहा, अब किससे उम्मीद है, अब कौन कर सकता है ये आपका काम, आप लोगों का काम कौन ऐसा हो सकता है जो नौकरी आपकी पक्की कर सकते, कुछ आप लोग सोच रहे हैं? तो जो नौकरी देगा हमारे बच्चे को तो हम वोट जरूर देंगे।
जो भी नौकर देगा उसको वोट देंगे। मैं तो ये शर्त रखना चाहती हूँ, जिसने हमने फॉर्म भरे हैं ऑनलाइन से, तो वो हमसे डिफिकल्ट आकर कहे कि नौकरी है ना आपको मिलेगी, और जो वोट देंगे वो कहेंगे नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी, कुछ करे तो हम वोट देंगे, वरना हम किसी को नहीं देंगे। सॉरी सर, बस हमारा तो यही कहना है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता हो, चाहे और कोई भी हो, हम किसी को वोट देने वाले नहीं। चाहे वोट जाए तो जाए हमारा, चाहे डॉक्यूमेंट खत्म हो तो हमारा कोई बात नहीं, पर वोट लेने वाले हम नहीं। इतना दुखी हैं आप? इतना दुखी हैं, चाहे सब क्या करें, हमें जिंदगी खत्म हो रही है हमारी, तो बच्चे खत्म हो रहे हैं, पीछे बच्चे क्या एस करेंगे, क्या मौज करेंगे, क्या पढ़ेंगे लिखाएंगे, इतनी पढ़ाई में होता क्या इतने खर्चे में, 9,000 से 8,000 से 6,000 से। अभी इन्होंने बोला 75 रुपये से लगे, हम 4,000 में लगे थे महीने का, तो हमारे वही हाल है, 4,000 में क्या होता है। अभी बढ़े नहीं है को? अभी बढ़े हैं, अभी 11-12 हज़ार की है, 11,000 375 रुपये की है, इनका 400 है, हमारा 375 है। क्या तो मकान का किराया भी दे देते हैं, कोई किराया रहता है, कोई कैसे रहता है। आप लोगों को मकान मिले हैं आप लोगों किसी को? नहीं किसी के पास नहीं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वाला मकान नहीं मिला? उसका पैसा 2,50,000 रुपए जो दे रहे हैं वो कुछ नहीं है। फॉर्म भरा था आप लोगों ने? एक बार मैंने फॉर्म भरा था, गड़बड़ मेरे आया था वो फ्लोर वाला प्लॉट, लेकिन उसे उन्होंने मांगी ये की थी कि 7,000 रुपए किस्त होगी आपकी, तो 21,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेंगे। तो मैंने बोला पूरा अमाउंट कितना होगा, तो 5,00,000 रुपए के बताए। 5,00,000 में कमाती नहीं हूँ तो कहाँ से भरूँ, और वो अभी किस्तों में 21,000 किस्तों में भरना था ना 5,00,000। 21,000 रुपए पहले मांगे थे उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि कम से कम किस्त होगी आपकी 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए मैं उसको दूंगी तो फिर क्या मेरा फायदा, क्या खाएंगे, और उस वक्त मेरी पेमेंट बड़ी भी नहीं थी, तो इसलिए सॉरी मैं तो वोट किसी को नहीं दूंगी, मेरे बच्चे भी यही बोल किसी को नहीं। हमारा तो 3,00,000 का मोदी का बीमा था, तो वे भी नहीं मिले मेरे घर वालों को। क्यों क्या पता काहे का बीमा था वो? वो प्रधानमंत्री 330 वाला। अच्छा, तो बीमा नहीं मिला मेरे को, तो हम कैसे 330 क्या था, 300 पैसा जमा होता था 330 रुपए? हाँ, साल लगा 330 जमे होता, तो दिए ही नहीं मुझे, मन क्या करनी मुझे को कर दे तुम्हारे को, हमारे का कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भ्रष्टाचार है। हाँ ये भ्रष्टाचार ही है, मैं तो यही कहती हूँ कि प्रेम से बोल के वोट ले लेते हैं, फिर टिक ठोक के चले जाते हैं, बस करना जो कर लो, ये किला है नौकरी करो, बनता और बाहर में जाए जनता, बस यही ये बात है। आश्वासन देते हैं कुछ नहीं करते, हमारा काम बनता बाहर में जाए जनता। खुद मैं विकलांग आदमी हूँ, हमको नौकरी नहीं मिली है। अच्छा, हमको नौकरी नहीं मिली, मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिली हूँ, मैं 30 बार फॉर्म भरिया हूँ, हमको नौकरी नहीं मिली है। मैंने ब्याज पे लगा लगा के फॉर्म भरा, पैसा है नहीं, पहल के मैं रुपया में 15,000 पहल के मैं लगाया, 10,000 में बाद में लगाया, अब आर ऑयल लैंड में तो 500 रुपया में हमें दिया। तो ये समस्याएं हैं मेहरानगढ़ में, जिसको मेहरानगढ़ से सरकार को हर साल लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं टिकटों से और अन्य तरीके से राजस्व यहाँ इकट्ठा होता है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जोधपुर की, जहाँ टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं और लाखों में फ़ायदा होता है, लेकिन इसका रखरखाव करने वालों की हालत क्या है आपने सुन ली। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ मेहरानगढ़ किले से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।